सऊदी अरब और खलीजी ममालिक में आज पहला रोजा, मस्जिद में अवाम के आने पर पाबंदी, लोग घरों में रहकर इबादत में मसरूफ। रमजान मुबारक के आगाज के साथ ही खाना काबा में तवाफ शुरू हो गया। तवाफ में मस्जिद की इंतजामिया और खदमैन शरीक हैं, जबकि खाना काबा के गिर्द लगा हिसार हटा दिया गया। सिंध भर में दोपहर 12 से 3 बजे तक सख्त लॉकडाउन होगा। सिंध में नमाज जुमा के इस्तेमाल महदूद और एसओपी के तहत होंगे। लॉकडाउन के दौरान तमाम कारोबारी और अवामी सरगर्मियों पर पाबंदी। यूटिलिटी स्टोर्स यूनियन के एमडी और चेयरमैन से मुज़ाकरात नाकाम। मुलाज़मीन ने आज से मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स बंद रखने का ऐलान कर दिया। यूनियन के रहनुमाओं का कहना है कि मुतालबात की मंजूरी तक स्टोर्स नहीं खोलेंगे। सऊदी अरब और खलीजी ममालिक में आज पहला रोजा, मस्जिद में अवाम के आने पर पाबंदी, लोग घरों में रहकर इबादत में मसरूफ। रमजान मुबारक के आगाज के साथ ही खाना काबा में तवाफ शुरू हो गया। तवाफ में मस्जिद की इंतजामिया और खदमैन शरीक हैं, जबकि खाना काबा के गिर्द लगा हिसार हटा दिया गया। सिंध भर में दोपहर 12 से 3 बजे तक सख्त लॉकडाउन होगा। सिंध में नमाज जुमा के इस्तेमाल महदूद और एसओपी के तहत होंगे। लॉकडाउन के दौरान तमाम कारोबारी और अवामी सरगर्मियों पर पाबंदी। यूटिलिटी स्टोर्स यूनियन के एमडी और चेयरमैन से मुज़ाकरात नाकाम। मुलाज़मीन ने आज से मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स बंद रखने का ऐलान कर दिया। यूनियन के रहनुमाओं का कहना है कि मुतालबात की मंजूरी तक स्टोर्स नहीं खोलेंगे।